Subscribe to my YouTube channel RP Information and click the bell icon to get first notification. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्रा, आप देखा आप इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो टॉपिक बहुत एक इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे PUBG मोबाइल के RP मिशन का। एक मिशन के बारे में एक्सप्लेन तो मैं कर चुका हूँ, अगर कल का जो तुम मिशन एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखे हैं जल्दी जाओ आई बटन के अंदर, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये मिशन के बारे में, किल एन एनिमी फ्रॉम 300 मीटर्स अवे वंस। मतलब एक ही एनिमी को तुम्हें किल करना है 300 मीटर के रेंज से। तो कल जब मैंने मिशन एक्सप्लेन वीडियो बनाया था, तब मैंने इस मिशन को जब मैंने क्लियर किया था, तो वहाँ पर मैंने बताया था जो मैंने 200 मीटर का रेंज का जो ट्रिक बताया था उससे ही तुम इसको कर सकते हो। पर बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि भाई बहुत मतलब टफ हो जा रहा है, तो इसके लिए मैं इसका एक आसान सा ट्रिक्स लाया हूँ। एंड 200 मीटर का जो मैंने दिखाया था उसका भी वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा। एंड आज मैं जो ट्रिक तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि 300 मीटर का कैसे तुम बहुत इजीली किल कर सकते हो, मैं कल ही एक मैच के अंदर किल कर लिया, तो तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक नॉर्मल मैच खेल रहा था अपने स्क्वाड के साथ, तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड आज मैं फिर से उसको किया हूँ सेम ट्रिक को यूज़ करके, एंड आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। एंड 110% श्योर आपका ये ट्रिक काम करेगा, एंड आप बहुत ही आसानी से ये मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते रहो वीडियो को बिजनेस के भी पॉइंट तक। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, एंड लाइक के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से, जो तुम्हारा पबजी स्क्वाड है पबजी क्रू अंदर सभी के अंदर वीडियो को शेयर करो। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करो, उसके साइड में जो बेल आइकन है तो उसको भी क्लिक कर दो, क्योंकि हम इन्फॉर्मेटिव आप इसके ऊपर डेली वीडियोज अपलोड करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे मैं कहा, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि 300 मीटर वाला जो किल है, मतलब 300 मीटर के रेंज से तुम्हें एक एनिमी को किल करना है, तो ये मिशन तुमको कैसे करना है। तो पहले तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा तुमको कैसे करना है ये मिशन, मतलब तुम जो स्क्वाड के साथ खेलते हो तब करना है, या फिर तुम नॉर्मल एक मैचों के अंदर करना है। तो तुम्हें अगर नॉर्मल मैच के अंदर करना है तो तुम्हें मैं मैप सिखा देता हूँ कि कैसे तुम्हें मैप सिलेक्ट करना है। तो तुम्हें जाना है इरंगल मैप को सिलेक्ट करना है, एंड तुम्हें डुओ सिलेक्ट कर देना है, एंड ऑटो मैचिंग जो है इसको ऑफ करके ओके कर देना है। तो ये हो गया मैप सिलेक्ट। एंड क्योंकि तुम जब भी तुम ऑटो मैचिंग ऑफ करते हो तो तुम्हारे ग्लोबल से कोई प्लेयर नहीं आएगा, तुम मतलब सोलो ही खेलोगे, सोलो वर्सेस डुओ। तो तुम अगर ये मिशन कंप्लीट कर दे तो उसके बाद तुम फटाफट से निकल सकते हो मैच से। तो अभी मैं दिखाऊंगा इस ट्रिक को पूरा एकदम करके कि कैसे तुम इसको कर सकते हो। एंड मैं कल ऑलरेडी इस ट्रिक को मतलब ये जो मिशन इसको कंप्लीट कर चुका हूँ सेम ट्रिक को यूज़ करके। सो आज मैं फिर से इसको रिपीट किया हूँ, एंड तुम्हें फिर से दिखाऊंगा कि कैसे तुम इसको कर सकते हो। तो इसलिए देखते रहो वीडियो को पूरा एंड तक। दोस्तों जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि तुम्हें जब भी ये सारे मिशन कंप्लीट करना है तुम्हें हमेशा प्लेन के एंड में कूदना है, एंड तुम्हें ये देखना है प्लेन तुम्हें पानी के अंदर ना फेंके। तो देख पाएंगे यहाँ पर मुझे मतलब ज़मीन पे फेंक रहा है, तो यहाँ पर मैं उतर जाता हूँ, एंड मेरे साथ देख पाएंगे कितना सारा ऑफलाइन प्लेयर जाता है। तो यहाँ पर 5 के करीब ऑफलाइन प्लेयर था, एंड एक इसमें से मतलब धोखा दे दिया क्योंकि एक उतरते ही वहाँ पर फाइट करके पूरा सारे लोगों को मार देता है। तो देखते रहो क्योंकि यहाँ पर मुझे 5 प्लेयर मिल गया था, एंड इस मिशन को कंप्लीट कैसे मैं करता हूँ बहुत ही इजीली। एंड यहाँ पर मैं उतरने के बाद मेरा गलती हो गया, मैं अगर आगे जाता गन लेने तो बहुत ईजिली इनका किल कर पाता, पर मैं यहाँ पर उतर जाता फिर मैं गन लेते आता हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी मैं गन लेने जाऊँगा, एक गन मैं उठाऊँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हाथों से करता तो थोड़ा टाइम लगता, इसलिए गन से करना बेटर है, क्योंकि कोई एनिमी अगर आ गया तो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए तुम भी जब कहीं पर उतरो ऐसे प्लेस में तुम्हें एक गन उठा लेना है, क्योंकि यहाँ पर एनिमी कभी भी आ सकते हैं। एंड देख पा लूँगा मैं अभी जाऊँगा एक गन उठाने, तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं जैसे कहा कि मैं पहले गलती कर दिया, क्योंकि देख पा लूँगा कितना सारा 5 के करीब यहाँ पर उतरा, एंड मैंने मार्क कर दिया कहाँ पर ये लोग है। तो अभी मैं फटाफट से गन उठाता हूँ एंड यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। तो अभी मैं गन उठाने जा रहा हूँ, तो क्या हुआ कि जब मैं गन उठा के आता हूँ यहाँ पर, तभी फाइट चला था, पता नहीं बॉट था कि ये रियल था, तो फाइट चला था, नोवो के साइड में था, तो नोवो के अंदर बंदे तो उतरते ही हैं। तो मैंने देख पाया यहाँ पर मुझे 2 गन मिल जाता है, बहुत अच्छे अच्छे गन, M4 एंड म्यूटन मिल जाता है। तो एक यहाँ पर एक बॉट आ गया था, तो बॉट को मैं किल कर दिया, और तो यहाँ पर मैंने इसको किल कर दिया एंड ये किल हो गया डायरेक्ट। एंड तुम्हें इसका ध्यान रखना कि तुमको नॉक करना है, एंड कैसे करना है मैं ये भी तुम्हें दिखा देता हूँ। तो देखते रहो, यहाँ पर देख पाना कि एक बंदा जो था ऑफलाइन प्लेयर वो ऑनलाइन हो गया था शायद, या फिर वो चीटिंग कर रहा था मेरे ऊपर। तो देख पा रहे वो बंदा मार रहा है, तो सबको मार दिया, पर मैंने उसको नॉक कर दिया। तो तभी उसका एक फ्रेंड आ जाता है, मतलब उसका जो फ्रेंड था वो आ जाता है गाड़ी लेके। तो देख पा रहे गाड़ी वाला आएगा, वो देखो गाड़ी वाला, तो इसको भी पेलता हूँ मैं, तो इसको भी पेल दिया, दोनों को पेल दिया, इनका ही बंदा था ये। तो इनका लूट लेके मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो निकलने के बाद
इसके पास कुछ नहीं था तो मैं निकलता हूँ। तो यहाँ पर बॉट का और भी फाइट हो रहा था बॉट लोगों का, तो इनके पास जाते हैं। तो इनके पास जाने के बाद ये बॉट भी एक बंदे को किल, बंदे या बॉट को किल किया था पता नहीं, बहुत कांड हो गया था यहाँ पर बहुत सारे। मुझे अगर मैं ठीक से खेलता तो मेरे यहाँ पर 7-8 किल मिल जाते, क्योंकि मैं किल करने के लिए नहीं आया था, मेरे को मिशन कंप्लीट करना था। तो ऐसे आपको भी करना है, अगर आपके पास ऐसे कोई पोजीशन आ जाए तो सबको क्लियर करो एंड धीरे से मिशन को कंप्लीट करो। कोई अगर बॉट भी रहता तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे लोगों को मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पर और कोई नहीं था। और फिर से एक बॉट आता है मेरे को पीछे से मारता है, देख पा रहे हैं ये मारा मेरे को। दोस्तों अब होता है मिशन स्टार्ट एंड इस बॉट या जो एनिमी था इससे ही करूँगा मिशन को कंप्लीट। तो ये मुझे बॉट तो नहीं लग रहा था क्योंकि इसका नेम देखना तुम एक बार, तो इसको तो इसका नेम देख के मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये बॉट है। तो तुम्हें क्या करना है मिशन को कंप्लीट करने के लिए, देख पा रहे हैं मैं इसके पास जाता हूँ। तो इसके पास जाने के बाद तुम्हें मार्क करना है लोकेशन, तो देख पा रहे यहाँ पर मैं इसके पास जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपना जो लोकेशन है इसके पास जाकर मैं इसको मार्क कर देता हूँ ऐसे। तो मार्क करने के बाद मैं ऐसे दौड़ लगाता हूँ पीछे की साइड, तो तुम्हें भी ऐसे करना है पीछे की साइड दौड़ लगा देना है एंड देखना है कि 200 मीटर के मतलब जो 300 मीटर के रेंज के बाहर जाना है। एंड तुम्हारे पास अगर कोई स्मोक ग्रेनेड या फिर कोई भी ग्रेनेड है उसको हाथ में उठा लो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बूस्ट मिलता है रनिंग में। तो इसलिए देख पा रहे मैं हाथ में एक ग्रेनेड उठा लिया जो कि मेरे पास स्मोक ग्रेनेड था, तो इसको मैंने उठा लिया एंड दौड़ लगा दिया मैंने। तो अभी देख पा रहे होंगे 100-150 मीटर कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे करके तुम्हें 300 मीटर के बाहर जाना है तभी ये मिशन कंप्लीट होगा। एंड तुम्हारे पास अगर कोई गाड़ी रहता है तो बहुत अच्छी बात है, गाड़ी से भी जा सकते हो। पर अगर तुम गाड़ी के अंदर बैठे हो एंड तुम्हें गाड़ी के अंदर ही किल मिल गया तो तुम्हें ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि गाड़ी 300 मीटर के जाने के बाद गाड़ी से निकल जाना एंड ऐसे तुम्हें वो एनिमी या बॉट को किल करो कि ज़्यादा उसका डैमेज ना हो, कि नॉक होने के बाद वो फटाफट से मर जाए ऐसे उसका डैमेज ना हो। जैसे कि देखा कि मैं इतना डैमेज उसको नहीं दिया एंड देख पा रहा हूँ मैं अभी भी दौड़ते रहता हूँ 300 मीटर के बाद भी, क्योंकि वो आगे भी आ सकता है पीछे भी जा सकता है। तो इसलिए मैं 300 मीटर के बाद भी दौड़ते लगा, मैं 400 मीटर तक चला गया था। तो ऐसे तुम सेम ट्रिक को यूज़ करो तो तुम्हारा मिशन 110% से कंप्लीट होगा। देख पा रहा हूँ मैं 400 मीटर तक आ गया एंड अभी मुझे किल मिल गया है इसका। तो मेरा मिशन इसी सेम ट्रिक को यूज़ करके कल मेरा कंप्लीट हो गया है, तो तुम इसी सेम ट्रिक को यूज़ करो तुम्हारा भी ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों कल ऐसे ही सेम ट्रिक को यूज़ करके मेरा ये मिशन मैंने कंप्लीट किया 300 मीटर रेंज का। तो तुम भी ऐसे ही करो, जब भी तुम्हारे पास कोई बॉट है तो उसको नॉक करके छोड़ दो, फिर मार्क करो लोकेशन एंड फिर पीछे की तरफ दौड़ लगा दो। एंड तुमको ये ध्यान रखना कि तुम ऐसे उसको किल करो कि मतलब नॉक करो, मतलब उसका ज़्यादा डैमेज ना हो। तुम ऑटो फायर मत करो, तो सिंगल टैप में फायर करके उसको नॉक करो, फिर पीछे की साइड दौड़ लगाओ एंड 300 मीटर के रेंज के बाहर जाने के बाद अगर तुम्हें ये इसका किल मिल जाता है तो तुम बहुत ही आसानी से ये मिशन को जो 300 मीटर रेंज वाला मिशन है इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बहुत एक इजी सा ट्रिक्स है, तो इसको फॉलो करो एंड मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा 110% इसको वर्क करेगा। एंड तुम इसको नॉर्मल मैच के अंदर भी कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल मैच अगर तुम स्क्वाड के अंदर खेलते हो तुम्हें बहुत ज़्यादा बॉट देखने को मिल जाता है। एंड तुम्हारे जो स्क्वाड मेंबर्स है उसको बोलो कि भाई तुम बॉट को डायरेक्ट किल मत करो, मैं मारता हूँ फिर मैं दौड़ लगाता हूँ फिर मुझे किल मिल जाएगा एंड मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे सेम ट्रिक को यूज़ करके कल मैंने इस मिशन को कंप्लीट किया है। देख पा रहे किल एन एनिमी फ्रॉम 300 मीटर्स मिशन मेरा कंप्लीट है एंड एक ही टाइम में करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो एक ही टाइम में तुम इस सेम ट्रिक को यूज़ करो तुम्हारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड मैं इन्फॉर्मेटिव इसके ऊपर डेली वीडियोस लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट से। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करो, उसके साथ में जो बेल आइकन है तो उसको भी प्रेस कर दो, क्योंकि हम इन्फॉर्मेटिव इसके ऊपर डेली वीडियोस अपलोड करते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से एंड शेयर करना ना भूलना। जो लोग तुम्हारे पबजी मोबाइल खेलते हैं, जो लोग आरपी मिशन कंप्लीट करते हैं, सभी के अंदर वीडियो को शेयर कर दो। तो चलिए सर फिर मिलते हैं कल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो चलते हैं। हैव अ नाइस डे।